हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और जिस विषय की खास लगातार हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने वाले हैं वो विषय है बिहार में जो शिक्षक बहाली और दूसरा मुद्दा है सचिवालय सहायक। तो अभी जिस मुद्दा पर हम बात करेंगे वह है बिहार सचिवालय सहायक की परीक्षा और जिसको लेकर लगातार आंदोलन हुए, प्रोटेस्ट हुए और ये मामला अभी माननीय उच्च न्यायालय के शरण में चल रहा है। साथियों, आपको भी हम ब्रीफिंग करें कि जो भी हियरिंग हुई है, यानी 5 सितंबर 2023 को हियरिंग हुई है। एक छोटा सा वीडियो हम बनाए थे, परंतु बहुत सारे लोग कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि आप इस वीडियो इसके संदर्भ में जो भी चीज़ें हैं उसको आप ब्रीफिंग करें। तो जो छात्रों अभ्यर्थियों की बात रही है, जो मांग रही है कि कोर्ट में, यानी कोर्ट में जो हियरिंग चल रही है उसकी पूरी प्रोसीडिंग की जो जांच है वो माननीय उच्च न्यायालय में, 2-3 मामले चल रहे थे उच्च न्यायालय में। साथियों, आप सबको पता है, एक मामला चल रहा था अश्वनी कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, दूसरा मामला चल रहा था मेरा सौरभ कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यानी एक फरवरी में फाइल किया गया था, एक मार्च में फाइल किया गया था और एक अप्रैल में फाइल किया गया था। तो अभी जो बातें हैं, निश्चित रूप से PIL के मामले प्रिया कुमारी का था। तो अभी इस तीनों मामले की सुनवाई, यानी मर्ज कर दी, लगभग 9 से 10 सुनवाई PIL की हुई, 8-9 सुनवाई जो हुई रीट की हुई। तो सब मामलों को लेकर जो दोनों तरफ से ये पक्ष विपक्ष चल रहा था कि PIL पर हो रही है सुनवाई, तो चीफ जस्टिस साहब के बेंच में सुनवाई हो रही है, तो रीट के मामले में फैसले कैसे लिए जा सकते हैं। और जो जस्टिस मधुरेंद्र प्रसाद साहब थे उनका भी ट्रांसफ़र जो है कोलकाता उच्च न्यायालय कर दिया गया। तो सारी चीज़ों पर स्पष्ट है कि जो चीज़ें कल सुनवाई हुई वो ऑर्डर के रूप में, यानी कहीं ना कहीं सुनवाई के दौरान हमारे लॉयर इतिका जी से हमारी बातचीत थी, उन्होंने कहा कि ओरल ऑर्डर, कहने का मतलब है कि सुनवाई में ये स्पष्ट हो गया कि अगली जो सुनवाई, यानी 2 सप्ताह के बाद 20 सितंबर को जो सुनवाई होगी उस दिन फैसला होगा कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, इस पूरा फैसला होगा। तो इसलिए माननीय चीफ जस्टिस साहब ने 2 सप्ताह का समय लिया है। ओवरऑल चीज़ जो हलफनामा दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय में आयोग की तरफ से और आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से, जो सरकार के पिटिशनर हैं उनके तरफ से, कि पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, उनका यह मानना है कि क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ वो पीयून की गलती से हुआ, और किसी की गलती से हो, 2 मिनट पहले हो, 1 मिनट पहले हो या 1 सेकेंड पहले हो, सारे परीक्षाओं में अगर पेपर लीक के मामले अगर स्पष्ट हो जाते हैं और ये चीज़ें सामने हो जाती है तो निश्चित रूप से सचिवालय सहायक की परीक्षा रद्द की जाएगी। 9 लाख परीक्षार्थी हैं साथियों, कोई 1-2 हज़ार की बात नहीं है। और बिहार के सारे परीक्षाओं में जिस प्रकार के धांधली का दौर चल पड़ा है उस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कोई वैसी परीक्षा बाकी नहीं। अभी हाल में ही ऑनलाइन की सारी बहुत सारी परीक्षाएँ हुई, अमीन की परीक्षाएँ हुई, बिहार खाद निगम की परीक्षाएँ हुई, FCI जो है उसकी परीक्षाएँ हुई, अभी भी परीक्षाएँ चल रही थी, स्टेटस पर भी कहीं ना कहीं धांधली के आरोप कई जगह लगाए जा रहे हैं। तो हम इन सब चीज़ों पर नहीं जाते हैं, लेकिन स्पष्ट अभी जो बात की चर्चा अभी चल रही है सचिवालय सहायक की परीक्षा को लेकर, और जो जिसको लेकर कोर्ट में जो न्यायालय की बात हम लोग कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, उस पर एक बात स्पष्ट राय है कि जो छात्र और अभ्यर्थियों की मांग है निश्चित रूप से सरकार से है, सरकार से कैसे नहीं है। 3 शिफ्ट की परीक्षा हुई और तीनों पाली की परीक्षा में पेपर जो है लीक थे, तो छात्र अभ्यर्थियों की मांग, हम लोग लगातार तो यही मांग कर रहे थे ना कि 3 शिफ्ट की परीक्षा रद्द कर दीजिए और दोबारा परीक्षा ले लीजिए, ऐसे तो कोई दूसरी मांग तो हम लोग कर नहीं रहे थे। परंतु जिस प्रकार से SIT का गठन हुआ और घोलमेल हुआ, इन सब चीज़ों पर एक बार स्पष्ट राय है कि आप एक बार जांच करा लेते कि क्या है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, लगातार आंदोलन होते रहे। आपने भी देखा जिस प्रकार से फरवरी तक आंदोलन हुए साथियों, तो हम लोग इसलिए माननीय उच्च न्यायालय गए कि जो प्रमाण है, जिसके सबूत है, इस सबूत के आधार पर कोर्ट का द्वारा लगाया जा सकता है। इसलिए अब माननीय उच्च न्यायालय से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप 9 लाख परीक्षार्थियों के हित की रक्षा करते हुए आप फैसला लीजिए और निश्चित रूप से तीनों पाली की परीक्षा पुनः रद्द करते हुए आयोग को आदेश दिया जाए कि दोबारा परीक्षा फेयर तरीके से ली जाए। और हम लोग की एक मांग और भी रही है साथियों, अभी BPSC जिस प्रकार से क्वेश्चन बुकलेट देती है, आंसर की देती है, प्रोविजनल आंसर की देती है, तो ये ग्रीवांसेस विद्यार्थियों का, हम लोगों का बहुत बरसों से रहा है कि आप OMR sheet की कार्बन कॉपी दे, क्वेश्चन बुकलेट दे, स्टूडेंट का ये बताए कि उसका मार्क्स कितना आया है PT में हो या मेंस में हो, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है।
तीसरी पाली पारिवारिक परीक्षा जो है स्नातक स्तरीय BSSC 3 CGL तीसरी है, और लगभग लगभग सब में यही हुआ है कि कभी किसी को ये नहीं बताया गया कितना मार्क्स आ रहा है नहीं आ रहा, और सीधे रिजल्ट निकाल दिया गया। तो ये विद्यार्थियों को जानने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है कि किसको कितना मार्क्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इन सब चीज़ों पर बिल्कुल जाँच होनी चाहिए थी, परंतु इस तरह की चीज़ें नहीं हुई, और हम लोग की मांग को बिल्कुल निराधार बताकर उसको नहीं सुना जा रहा है। तो अब जो चीज़ें यही है कि सचिवालय सहायक की परीक्षा जिसको लेकर लगातार हियरिंग हो रही है, और 20 तारीख को जो हियरिंग होगी उसमें स्पष्ट रूप से फैसला होगा कि छात्र हित में फैसला होगा या नहीं होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे परीक्षार्थी हैं, परीक्षार्थी तो उनको नहीं कहेंगे, उनको सेटर ही कहेंगे जो लिखते हैं कभी नहीं होगा, अब तो ये आयोग की तरफ से फैसला होगा, सरकार की तरफ से। तो हम इन सब बिंदुओं पर आपसे चर्चा नहीं करेंगे। कुछ लोग हम पर ही कमेंट कर रहे हैं कि हम ही लोगों को बरगला रहे हैं, तो आप जाइए ना, आप पटना हाई कोर्ट के साइट पर जाइए, उसके बाद आपको अगर देखने आता है तो आप सर्च कर लीजिए 5802 CWJC 5802 या CWJC 6034 या CWJC 2376, तीनों चीज़ों को आप देख सकते हैं। एक अश्वनी कुमार का मामला है वो भी देख सकते हैं, मेरा सौरव कुमार का वो भी देख सकते हैं, एपीडिया कुमारी का है वो भी देख सकते हैं, तीनों में देखेंगे तो ओवरऑल चीज़ें यही आएंगी। अब एक एक चीज़ का प्रमाण जो है अगर आपको नहीं लगता है तो आप वहाँ जाएँ, कोर्ट में आएँ, परंतु आपको कुछ नहीं करना है, बस कमेंट, जो कमेंट करने वाले हैं वो सब शिक्षा माफिया हैं। क्या आपको लगता है कि कमेंट आप कर देंगे तो इससे आदमी वो हो जाएगा, ये हो जाएगा? माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का जिस प्रकार से हो रहा है, लगभग लगातार टाल मटोल चल रहा है, कभी PIL के नाम पर तो कभी पिटिशनर तैयारी नहीं की है PIL वाले, तो कभी ये हो गया, तो कभी उनकी तैयारी नहीं है, कभी आयोग की तैयारी नहीं है, कहाँ भी महाधिवक्ता की तरफ से ये कहा जाता है कि देख लेते हैं।